रिटायर्ड जजों के राजनीति ज्वाइन कर लेने पर। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कही बड़ी बात, आज कोर्ट कल राजनीति, लोग क्या सोचेंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट, कई बार देखा गया है कि जज रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि इसमें कुछ भी बुरा तो नहीं, लेकिन एक जज के नजरिए से देखें तो शायद इस पर विचारों में थोड़ा अंतर आ सकता है। और बात जब देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया की हो तो मामला अलग ही हो जाता है। एक इंटरव्यू में सीजेआई चंद्रचूड़ से जब इसी बारे में पूछा गया तो उन्होंने पहले तो ये जरूर कहा कि ये किसी का निजी मत है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो कुछ कहा वो बेहद गंभीरता से सुनने और समझने वाला रहा। तो चलिए जानते हैं सीजेआई ने इस बारे में क्या कहा है। बता दें, सीजेआई ने इस बारे में दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में कहा है, जिसके आधार पर हम आपको इस बारे में बता रहे हैं। जजों को रिटायरमेंट के तुरंत बाद राजनीति में आने के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहिए। पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, ये एक अलग मामला है, ये किसी का भी पर्सनल मामला है। लेकिन अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो फिर ये है कि जब जज रिटायर होते हैं तो उन्हें राजनीति में जाने से पहले थोड़ा गैप देना चाहिए। राजनीति में जाना चाहिए या नहीं, यह तो बहस का मामला है, लेकिन अगर राजनीति में जाना ही चाहते हैं तो कूलिंग ऑफ पीरियड होना जरूरी है। जब आप एक बार जज बन जाते हैं तो जिंदगी भर जज ही रहते हैं, फिर चाहे अदालत में हो या फिर रिटायर हो जाए। जब भी कोई इंसान आपको देखता है तो जज के नज़रिए से ही देखता है। अगर कोई जज आज कोर्ट में है और कल पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले तो लोग क्या सोचेंगे। जजों का पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ना तो नई बात है और ना ही कोई चकित कर देने वाली बात। हालांकि सीजेआई का अपना जो भी मत हो, आप अपना मत अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि इस बारे में कानून में कुछ भी नहीं है। रही बात जजों की राजनीति ज्वाइन करने की, तो इसका ताजा उदाहरण कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी कुर्सी से इस्तीफा तक दे दिया था और बीजेपी ज्वाइन किया था और आज वो बीजेपी के सांसद हैं। वहीं अगर बात की जाए उन पहले जज की जो राजनीति में आए थे, उनका नाम जस्टिस केएस हेगड़े था, जिन्होंने 1973 में गुस्से में आकर जज की कुर्सी त्याग दी थी। वजह ये थी कि उनके जूनियर को सीजेआई बना दिया गया था। त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और लोकसभा चुनाव भी जीते और सांसद बने। आगे चलकर उनको 1997 में लोकसभा अध्यक्ष भी बनाया गया था। इसके बाद भी कई और नाम हैं जो जज के बाद राजनेता बन गए। अब अंत में एक बड़ा सवाल ये भी है कि नवंबर 2024 में रिटायर होने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ का अगला फील्ड क्या होगा। जवाब के लिए इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।